गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम महिला सुपरवाइजर भर्ती में जो आने वाले हैं क्वेश्चन, चैप्टर सेकंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य शासन ने प्रदेशों के वृद्धाश्रमों में रह रहे भ्रष्ट जनों के भरण पोषण की प्रतिमा कितनी राशि प्रदान की जा रही है? तो इसका उत्तर है 1000। कितनी प्रदान की जा रही है? 1000। साक्षर भारत योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू है? तो इसका आंसर है 42, 42 जिलों में। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप कौन सी योजना लागू की गई है? तो प्रतिमा किरण योजना। कौन सी की गई है? प्रतिमा किरण योजना। फिर नेक्स्ट है हमारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना मध्य प्रदेश में कब से आरंभ किया गया है? तो ये किया गया 1 अप्रैल 2012 से। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं व बच्चों के उत्थान के लिए क्रियान्वित जवाली योजना में कौन सी जनजाति शामिल है? तो इसमें है बेड़िया, सांसी, बांछड़ा, ये सभी जाति शामिल हैं। प्रदेश में क्रियान्वित आयुष्मती योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की महिलाओं बालिकाओं को रोग उपचार। प्रदेश में क्रियान्वित स्वधारा योजना का उद्देश्य है बेसहारा महिलाओं को आश्रय व पुनर्वास सहायता। इंदिरा आवास योजना में पात्रता मापदंड कौन निर्धारित करता है? तो कौन करता है? ग्राम पंचायत। खुशबू परियोजना किससे संबंधित है? तो खुशबू परियोजना है कैदियों का पुनर्वास। मंगल दिवस का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मंगल दिवस का आयोजन आंगनवाड़ी में किया जाता है। मंगल दिवस के अंतर्गत गोद भराई कार्यक्रम माह के किस मंगलवार को आयोजित होता है? तो ये होता है हमारा प्रथम मंगलवार को। ठीक है, मंगल दिवस योजना क्यों प्रारंभ की गई? विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु, विभाग की योजना के प्रभावशाली बनाने हेतु, आंगनवाड़ी केंद्रों और जन समुदायों के बीच आत्मीय संबंध बनाने हेतु उपरोक्त सभी के लिए की गई है। सबला योजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो 15 जिलों में संचालित है। सबला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सजला योजना का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष तक की साला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को 6 दिन पूरक पोषण आहार देना। नारी निकेतन संस्था कहाँ नहीं है? तो नारी निकेतन संस्था सिर्फ इंदौर में नहीं है, बाकी सतना में भी है, भोपाल में भी है और उज्जैन में भी है। राजकीय अनुसंरक्षण गृह कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। महिला उद्धार गृह कहाँ है? तो ये इंदौर में है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आरफेट किस देश के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रोम से। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आईफेड प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारा 5, 6, 10, 22, ये किया जा रहा है 6 जिलों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की गठन कब हुई? तो ये हुई 30 जनवरी 2006 को। दहेज निरोधक कानून कब बना? तो ये बना 1961 को। सती प्रथा निरोधक कानून कब बना? तो ये बना 1987 को। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना? 2006 को। राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट कब बना? तो ये बना 1990 को। घरेलू हिंसा कानून कब बना? तो ये बना 2005 को। बाल अधिकार संरक्षण कानून कब बना था? 2005 को। बाल न्याय सुरक्षा व संरक्षण एक्ट बना था 2000 में। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति कब लागू की? तो 2001 में। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम सबला कब शुरू हुई? ये हुई 2010-2011 में। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब शुरू हुई? ये हुई हमारी 2010-11 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा स्वाधार योजना कब शुरू हुई? स्वाधार योजना ये हुई 2001 और 2 में। उज्ज्वला योजना कब से प्रारंभ की गई? ये हुई हमारी 2007 में। आई
CDS योजना कब से शुरू हुई की गई, तो ये हुई 1975 में। ICDS समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से कौन सी सेवा दी जाती है, तो पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, उपरोक्त सभी। स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों को दी जाती है, तो ये दी जाती 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन कब से प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ 14 मई 2010 को। अटल बाल मित्र योजना कब से शुरू हुई, ये हुई 24 दिसंबर 2010 को। लाली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में कब से शुरू हुई, ये हुई 1 अप्रैल 2006 से। लाली लक्ष्मी योजना का लाभ कब से दिया जा रहा है, तो 26 जनवरी 2006 से। इस तरह हमारे ये सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो हमने यहाँ पर किए हैं। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।